दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पूनम और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। और आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे जो छोटे नन्हे मुन्ने बिगनर्स हैं ना, जिन्हें हम इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं, वो पढ़ाने की शुरुआत कैसे करें। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो सीवीसी वर्ड्स होते हैं, कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट वर्ड्स होते हैं, उन्हें ब्लाइंड करके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि हम उन्हें ऐसे पढ़ा रहे हैं, पढ़ो सी ए टी कैट बी ए टी बैट, और ऐसे ही पढ़ नहीं पड़ेगा तो तेरे रहपटा पड़ेगा, होता है ना ऐसे। या फिर क्या होता है, स्क एट ब एट, तो लिमिटेड जो वर्ड्स होते हैं उनपे हम बच्चे को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, और रट्टाफिकेशन की वजह से हमारा बच्चा नहीं समझ पाता जो साउंड है उन वर्ड्स की, उन्हें बैंक नहीं कर पाता, और उन साउंड को फ्रेग्नेंट नहीं कर पाने के कारण वो नए वर्ड्स फ्रेम करने में उसे दिक्कत आती है। तो उसी से रिलेटेड आज कुछ ऐसी एक्टिविटीज इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी, जो ऑनलाइन क्लास में भी ऑफलाइन क्लास में भी डेफिनेटली आप एज अ टीचर एज अ पेरेंट यूज कर सकते हैं, और डेफिनेटली एक महीने के अंदर अंदर आप अपने बच्चे की रीडिंग स्किल्स में इंप्रूवमेंट देखोगे। और उसके बाद एट द एंड ऑफ दिस वीडियो एक ऐसा ऐप शेयर करूंगी जो बिल्कुल फ्री है, सरकारी ऐप है, जिसे आप अपने बच्चे को पढ़ना सिखा सकते हो। तो बात करते हैं सबसे पहली एक्टिविटी, सबसे पहली सबसे पुरानी और सबसे प्रचलित एक्टिविटी की, हम लोग रिंग बना लेते हैं। इनर रिंग में कुछ ऐसे टू जो लेटर वर्ड्स हैं वो लिख देंगे, ए बी ए टी ए एस, जिनसे भी आप वर्ड्स फ्रेम करते हैं, जैसे ए टी ए टी के साथ। फिर बाहर वाली रिंग में आप पूरे जो आपके अल्फाबेट से 26 वो आप लिख देंगे, तो सी और फिर ए टी जो जहां पे उसके सामने अटकेगा वो पढ़ेगा कैट, एस एट एट, तो पहला वाला जो आपका साउंड है उसे क्रिएट करेगा बच्चा, और आखिरी वाला वो ऐसे ही रहेगा। ऐसे बहुत सारे मिक्स मैच करते हुए बच्चे को पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है। दूसरा होता है कि हम क्या कर सकते हैं, उसे जो लेटर बैग है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए दे सकते हैं। हम बहुत सारे उसके सामने पर्चियां या स्लिप जो है वो बना के दे सकते हैं अलग अलग वर्ड्स की, उसे बोलेंगे एट वाला जो कैटेगरी बैग है उसमें आप एट वाले वर्ड्स ढूंढ के, तो बच्चे सब में से ढूंढेगा। तो ऐसा नहीं सिर्फ वो एट वाले पड़ेगा, वो सीएबी कैब वाले भी पड़ेगा, वो बीएटी पैट वाले भी पड़ेगा, मतलब उसकी आंखों के सामने से सारे वर्ड जाएंगे और वो उन्हें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा और उन्हें फिर सेग्रीगेट करेगा, उन बैग्स में प्लॉट करेगा। इन बैग्स को बनाने का बहुत सारा तरीका होता है, आप बॉक्स में अलग अलग होल्स कर सकते हैं और इन स्लिप्स को वहां पर डलवा सकते हैं, या फिर आप जो आपके पास कप्स होते हैं घर में, कॉफी कप्स होते हैं, आपकी जो कटोरियां होती है उन कटोरियों को यूज करके भी आप रख सकते हैं कि इसमें आपको एट वाले डालनी है, इसमें आपको ऐप वाले डालनी है, इसमें आपको एज वाले डालनी है, इसको मैं आपको अब वाले डालनी है, ठीक है। ये क्या है कि एक बार में एक ही रखें, बहुत सारी चीजें बच्चों के सामने ना परोसे, अदरवाइज बच्चे फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजें जो है वो बच्चों को। और जिसमें सबसे बेस्ट एक्टिविटी होती है वो होती है कि साउंड्स को सेग्रीगेट करके बच्चे को आइडेंटिफाई करवाइए। मैंने बोला सी ए टी क एट, तीन इसमें अलग अलग जो फोनेटिकल साउंड्स हैं वो क्रिएट हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, बच्चे को ऐसे बोलो कि जितने भी साउंड उसमें क्रिएट हो रहे हैं उसमें आपको डिफरेंट रिएक्शंस करना है। लाइक जो मैंने अपने बेटे के साथ स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में प्रैक्टिस करी, ये क्लास में मैंने उसके बाद जाके प्रैक्टिस करी, पहले मैंने अपने बेटे के ऊपर अप्लाई किया उसे समझाते हुए, क्योंकि बहुत बहुत छोटा था वो, हमारे स्टूडेंट तो फिर भी उससे बड़े होते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है आप ऐसे बोलो ग, फिर अ आपको नीचे मारना है और ट में वापस से आपको ये मारना है, तीन साउंड बस, थ्री जो साउंड्स उसमें क्रिएट हो रही है उन थ्री में आपको यही पंचिंग वाले जो एक्शन है वो करने हैं, अप डाउन और अप। अब आप बताओगे कि कौन सा है, तो सेंटर वाले को आपको डाउन करना है। तो एक तो बच्चे की बहुत सारी मोटर स्किल्स जो है वो इसमें डेवलप हो रही है, डायरेक्शंस भी सीख रहा है, एक गेम उसके साथ इन्वॉल्व हो रहा है, तो क एक्सरसाइज भी हो रही है और बच्चे को बहुत मजा आता है कि कुछ नया कर रहा हूं स, ठीक। तो इस तरीके की एक्टिविटी आप बच्चे को करा सकते हैं, और उसके साथ साथ इससे भी मजेदार जो बच्चों को पसंद होता है ना, कलरिंग करना, कि आपने बहुत सारे जो है वो वर्ड्स लिख दिए, उनमें से बोला कि आप एट वाले जितने भी होंगे उन्हें रेड कलर करेंगे, एब वाले जितने भी होंगे उन्हें येलो कलर करेंगे। अगेन बच्चा क्या करेगा, दिमाग लगाएगा, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएगा और उसके बाद देखेगा कि एब वाले कितने हैं, एट वाले कितने हैं, और उन्हें ढूंढ ढूंढ के क्या करेगा, कलर करेगा। अब बहुत ईजी होता है यार ऐसी वर्कशीट बनाना, अगर आप टीचर है तो इन वर्कशीट को बनाकर एक बार बना लीजिए हैंडमेड, और हैंडमेड वर्कशीट की बात ही अलग होती है। एक बार आपने ये वर्कशीट बना ली, आप इन्हें फोटोस्टेट करा लीजिए, स्कूल करवा के दे देगा, अदरवाइज कंप्यूटर करवा लीजिए प्रिंट निकलवा के, बाकियों का फिर प्रिंट निकलवा लीजिए,
और अगर माँ है तो यार इतना टाइम तो आप अपने बच्चे के लिए निकाल सकते हैं, इस तरीके की एक्टिविटीज जो है उसके साथ क्रिएट कर सकते हैं, उसे बहुत मजा आने वाला है ये सब चीजें सीखने में। एक बार करके तो देखिए, एक बार कोशिश करके तो देखिए, आउटपुट जो है वो आपको बहुत बेहतरीन मिलने वाला है। तो ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज थी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। बच्चों को इनिशियल स्टेज में अगर आप पढ़ना सिखाना चाहते हैं तो कौन से ऐसे तरीके हैं जो अपना सकते हैं, तो आप लोग मुझे बताइए कि इनमें से सबसे बेहतर आपको कौन सा लगा। और इसके अलावा अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो, टीचिंग स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज हो, तो वो आप मेरे लिए कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, तब भी कोई इशू नहीं है। ये वीडियो कैसी लगी वो आप मुझे जरूर बताना। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, और अगर अभी तक आप इस टीचिंग कम्युनिटी का पार्ट नहीं बने, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाना। हेलो, मेरा नाम दिया है और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक मजेदार प्रतियोगिता, स्टोरीथॉन। एक ऐसी प्रतियोगिता जहां बच्चे अपने द्वारा लिखी गई कहानी को दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं। स्टोरीथॉन में भाग लेने के लिए सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से रीड अलोंग ऐप डाउनलोड करके अपने फोन पर इंस्टॉल करें। अब लैंग्वेज सेटिंग में हिंदी और इंग्लिश ऑप्शन को चुनें। फिर नीचे स्क्रॉल करके स्टोरीथॉन वाले हिस्से पर टैप करें और हमारी पृथ्वी हमारा घर या बहादुर बुरली में से कोई भी एक कहानी पढ़ें। जब आप अपनी स्टोरी सबमिट करने जाएंगे तो इन कहानियों पर आधारित आपसे कुछ मजेदार सवाल पूछे जाएंगे। जब आपके बच्चे की कहानी तैयार है तो इस पीडीएफ को खोलें और इस लाइन पर क्लिक करें। अब आपसे जुड़ी जानकारियां यहां भरें। फिर आपके बच्चे की कहानी वाले भाग में अपने बच्चे की लिखी गई कहानी टाइप करें। याद रहे, कहानी का थीम आप इस दुनिया को बेहतर कैसे बनाएंगे होना चाहिए। कहानी ज्यादा से ज्यादा 350 शब्दों की होनी चाहिए। भेजी गई कहानी आपके बच्चे द्वारा लिखी हुई होनी चाहिए। ये कहानी किसी और लेखक द्वारा लिखी नहीं होनी चाहिए। कहानी लिखने के बाद नियमों और शर्तों पर अपनी सहमति देने के लिए यहाँ टैप करें और अपनी कहानी को सबमिट। आपने अभी तक रीड अलोंग ऐप डाउनलोड नहीं की है तो आज ही डाउनलोड करें और स्टोरीथॉन का हिस्सा बनें।